नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल नर्सिंग केयर क्लब के पैरामेडिकल के ऑनलाइन सेक्शन में। इस सेक्शन में हम डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के सेकंड ईयर कोर्स पैथोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। आप सबका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अपने कोर्स को शुरू करता हूँ। आज हम इंट्रोडक्शन और प्रिपरेशन ऑफ मॉर्बिड एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक में हम निम्नलिखित पॉइंट कवर करेंगे, जिसमें इंट्रोडक्शन, रिसेप्शन, प्रिपरेशन ऑफ स्पेसिमेन के बारे में पढ़ेंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। पैथोलॉजिकल म्यूजियम आंशिक रूप से ऐतिहासिक है, जो डायग्नोस्टिक और थेरेपिस्ट के पियोनियर्स कार्य को रिप्रेजेंट करते हैं। पिछले स्टेट्स के रिकॉर्ड पेश नहीं किए गए हैं, यह बड़ी दुर्लभता की स्थिति होती है, और अंत में वे स्टूडेंट को उसके करंट टीचिंग की बेसिक मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। आइए इसी से जुड़ा अपने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। पैथोलॉजिकल म्यूजियम आर इन पार्ट हिस्टोलॉजिकल रिप्रेजेंटिंग द पियोनियर वर्क ऑफ, तो इसका सही आंसर होगा डायग्नोस्टिशियन एंड थेरेपिस्ट। अपन बात करते हैं रिसेप्शन के बारे में, जिसमें सोर्सेस की बात करें तो मोस्ट मटेरियल इससे कलेक्ट की जाती है। टीचिंग हॉस्पिटल्स जो सर्जिकल स्पेसिमेन, ऑपरेटिंग थिएटर्स हो सकते हैं जिसमें नेक्रोस्कोपी स्पेसिमेंस, रिसर्च लेबोरेटरीज, पेशेंट या लीजन के फुल डिटेल्स के साथ स्पेसिमेन प्राप्त किए जाने चाहिए। आइए इसी से जुड़ा अपन एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द मटेरियल इज कलेक्टेड फ्रॉम, तो इसके ऑप्शन है सर्जरिकल स्पेसिमेन, नेक्रोस्कोपी स्पेसिमेन, रिसर्च लेबोरेटरीज या ऑल ऑफ दिस, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। अब अपन बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ स्पेसिमेन के बारे में, तो इसमें स्पेसिमेन ऑटोप्सी डायरेक्ट ऑपरेशन थिएटर से प्राप्त किया जा सकता है। कटिंग स्पेसिमेन की बात करें तो इसमें ब्रेन नाइफ, बचर्स नाइफ शामिल है। इंफीरियर क्वालिटी स्पेसिमेन के कॉमनेस्ट कॉजेज में से एक टैप वाटर के साथ कांटेक्ट है, रिजल्ट हीमोलाइसिस उनके वैल्यू को कम कर देता है। स्पेसिमेन को केवल स्लाइन के साथ वॉश किया जाना चाहिए और डेमोन्स्ट्रेशन का इंतजार करते हुए स्लाइन में रखा जाना चाहिए, क्योंकि सुखाने से सरफेस की उपस्थिति फिर से खराब हो जाती है। लेकिन जैसा कि ऑटोलाइसिस जल्दी से सेट हो जाता है, उन्हें 2 घंटे से अधिक समय तक स्लाइन नहीं रहना चाहिए। बेसिक म्यूजियम टेक्निक्स की बात करें तो इसमें रिसेप्शन, प्रिपरेशन, फिक्सेशन, कलर रिस्टोरिंग, प्रिजर्वेशन, माउंटिंग शामिल है। फिक्सेशन ऑफ स्पेसिमेन की बात करें तो फिक्सेशन का ऑब्जेक्टिव सेल्स और टिश्यू कॉन्स्टिट्यूट्स को जीवन के समान स्टेट के करीब संभव के रूप में प्रिजर्व करना है। फिक्सेशन ऑटोलाइसिस और बैक्टीरिया के डिकम्पोजिशन को अरेस्ट करता है और सेलुलर और टिश्यू कॉन्टिन्यूट्स को स्टेबलाइज करता है। दुनिया भर के म्यूजियम में यूज किए जाने वाले जुड़नार औपचारिक फिक्सेटिव टेक्निक पर बेस्ड है और उनके मॉडिफिकेशन से ली गई है। फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्सेशन की बात करें तो कई फैक्टर्स हैं जो फिक्सेशन प्रोसेस को अफेक्ट करेंगे, जिनमें बफरिंग, पेंट्रेशन, वॉल्यूम, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, टाइम इंटरवल, पोजीशन ऑफ टिश्यू शामिल है। अपन बात करते हैं प्रिजर्वेशन के बारे में, तो डुप्लीकेट लेबल के साथ एक साथ स्पेसिमेन गोज या मुस्लिन में लपेटा जाता है और लेबल लिग्निन धागे के टुकड़े के साथ जोड़ा जाता है। स्पेसिमेन लार्ज रेक्टेंगुलर मिट्टी के अर्थवेयर टैंक्स में प्रिजर्व है। इस्तेमाल किया जाने वाला कैजरी फिक्सेटिव फ्लूड फर्स्ट हो सकता है, जो 6 मंथ के पीरियड के लिए होता है। किस समय के बाद स्पेसिमेन को कलर को रिस्टोर करने के लिए 80% एल्कोहल के साथ ट्रीट किया जाना चाहिए। आइए इसी से जुड़ा अपन एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। बेसिक म्यूजियम टेक्निक्स आर, तो इसके ऑप्शन है रिसेप्शन, प्रिपरेशन, फिक्सेशन या ऑल ऑफ दिस, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ, अगर अभी तक हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।